हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट आरबीआई सरप्लस। आपने टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा कि हम लोग आरबीआई सरप्लस के बारे में बात करेंगे और काफी सारी चीजें आपके करंट अफेयर से रिलेटेड और आपके आरबीआई सरप्लस रिलेटेड डाटा के बारे में यूजफुल होने वाली हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, जो करंट अफेयर रिलेटेड डाटा है वो क्या है आपके पास में, जो आरबीआई है 2020 से 21 का जो टाइम पीरियड है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को 99,122 करोड़ का जो सरप्लस है वो ट्रांसफर किया है। किसको ट्रांसफर किया है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो अब ये सरप्लस क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है। सरप्लस क्या होता है आपके पास में? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, यानी कि खर्चे सारे निकालने के बाद, पूर्ति करने के बाद, सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद जो एक्सेस बच जाता है आपके पास में, दैट इज अ सरप्लस। तो उसमें से उन्होंने 99,122 करोड़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है। और ये जो सरप्लस गया है, ये गया है आपका फॉर दी नाइन मंथ्स के लिए गया है। अब ये 9 मंथ्स के लिए क्यों गया है भाई? फाइनेंशियल ईयर के लिए गया है तो 1 साल का होना चाहिए, लेकिन नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है वो पहले आपका होता था जुलाई से लेके जून तक के लिए, कब से? 1 जुलाई से लेके 30 जून तक के लिए उनका होता था। बट 2021 ऑनवर्ड्स ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही हो गया, मतलब कि अप्रैल से लेके मार्च तक के लिए। तो अब 2020 में शुरू तो 1 जुलाई को ही हो गया था, बट 21 से तो आपका अप्रैल से स्टार्ट होने वाला था ये। तो 21 में कब खत्म हो गया आपका? ये 31 मार्च के लिए। तो ये आपके हो गए पूरे के पूरे 9 मंथ्स। अब इसके बाद में जो चलेगा आपका, वो आपका अप्रैल टू मार्च चलेगा आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए, जब हम सरप्लस की बात करते हैं कि इतना सरप्लस ट्रांसफर हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि इतना सरप्लस जनरेट कैसे हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 20 से 21 टाइम पीरियड की, 1 जुलाई 2020 31 मार्च 2021 तक का टाइम पीरियड है। तो इतना सरप्लस जनरेट कैसे हुआ? देखिए, जो आरबीआई है उसने क्या किया, उसने 2020 में अराउंड 85.2 बिलियन डॉलर्स के फॉरेन एक्सचेंज को सेल किया है। समझ रहे हो? 85.2 बिलियन डॉलर्स, बिलियन नॉट मिलियन, इट्स बिलियन डॉलर्स को उन्होंने सेल किया है। क्यों? इस सरप्लस को जनरेट करने के लिए। अब देखिए, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी इस चीज के लिए? 1 फरवरी को जो 2020 में एनुअल बजट प्रेजेंट हुआ था, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक चीज प्रेजेंट की थी कि जो आरबीआई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अराउंड 57 करोड़ जो है वो सरप्लस ट्रांसफर करेंगे। इट इज अप्रॉक्स 57,000 करोड़, इट्स आई थिंक 57,511 करोड़, ठीक है। आई एम ओनली टेकिंग अप्रोक्सीमेट अमाउंट राइट हियर, 57,511 करोड़ का ट्रांसफर होगा। लेकिन कुछ महीने के बाद जो आरबीआई है उन्होंने इसे काफी ज्यादा जो है ट्रांसफर किया, हमें नजर आ रहा है कितना ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, क्या जो आरबीआई है उनके दिमाग में कुछ था, या फिर क्या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में नीड थी इस चीज की कि जो आरबीआई है उन्हें इतने सारे डॉलर्स को सेल करना पड़ा? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब उन्होंने इतनी डीलिंग की, इसका मतलब उन्होंने बहुत सारे डॉलर्स को सेल किया है, तो क्या वहां पे जरूरत थी? जी नहीं, ये सब हुआ है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सरप्लस को जनरेट करने के लिए। देखिए, बहुत सालों से जो है सरप्लस जनरेट करती है, लेकिन जो आरबीआई है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि नोट छाप के भाई सरप्लस को दे दिया वहां पे, कि नोट छापे और बांट दिए, ऐसा नहीं कर सकती। तो उन्हें जुगाड़ देखने पड़ते हैं, हम जुगाड़ वर्ड इसलिए यूज करें क्योंकि वो तरीके ढूंढते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को उनका सरप्लस दिया जाए। तो ये जो है वो भी उनमें से कोई एक जुगाड़ ही है। ये यहाँ पे मैंने कुछ ईयर्स का डाटा आपके पास लिखा हुआ है, आरबीआई का सरप्लस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर होता है, ये सारा करोड़ में है। ये है 15 से लेके और आपका 21 तक, यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर का आपके पास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 15 से 16 में देखिए कितना हुआ, अराउंड 65,000 आपके पास में हुआ। इनमें सबसे ज्यादा आपके पास हुआ है 2018 से 19 में, और उसके बाद में 19 से 20 का आपको नजर आ रहा है 57,122 करोड़ का। लेकिन अचानक से देखिए कितनी जंप मारी है आरबीआई ने, 57 से डायरेक्टली कहां पहुंच गए, 99,000 पे पहुंच गए हैं 2020 से 21 के डाटा में। और इसका ये जनरेट कैसे हो, मैंने अभी आपको बताया कि आरबीआई ने 85.2 बिलियन डॉलर्स के जो है फॉरेन एक्सचेंज को सेल करके इस सरप्लस को जनरेट किया है। ओके, तो ये तो था आपका आरबीआई के सरप्लस के बारे में, सरप्लस क्या होता है, किस तरह से आरबीआई ने वो सरप्लस को इस बार जनरेट किया और क्यों ये कराया जाता है, वो हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन तो ये था कि ये सरप्लस जनरेट कैसे हुआ, अब क्यों देना है, ये पहली बात तो ये ना, क्यों देना है, कैसे दिया जाता है और कैसे जो ये अमाउंट है वो डिसाइड किया जाता है। अब इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
देखिए तो ये टॉपिक आपके पास में, हाउ डज आरबीआई ट्रांसफर सरप्लस, वही चीज की आरबीआई सरप्लस को ट्रांसफर कैसे करती है, किस तरीके से एक जो आइडियल अमाउंट है सरप्लस का वो डिसाइड किया जाता है और क्यों किया जाता है। देखिए सबसे पहला आपके पास में है एज नो इनकम टैक्स। मैंने कुछ पॉइंट्स आपके उसके लिए रखे हुए हैं कि अगर आप नोट्स बनाएं तो आपके लिए नोट्स बनाने में आसानी हो, ठीक है। एज नो इनकम टैक्स मीन्स जो आरबीआई है उसे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होता, ठीक है। तो आरबीआई क्या करती है, वो सरप्लस ट्रांसफर करती है। अब टैक्स नहीं दे रही, अब आरबीआई के थ्रू भी तो गवर्नमेंट को इनकम होनी चाहिए, टैक्स आरबीआई देती नहीं है, तो आरबीआई क्या करती है, वो सरप्लस ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट को। सरप्लस कौन सा, वो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। दूसरा हमारे पास में अकॉर्डिंग विद सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। भाई आरबीआई का एक्ट कौन सा 1934 है, ये तो सबको पता है। अब उसका जो सेक्शन 47 है, अब ये सेक्शन 47 क्या है पहले वो देख लीजिए। सेक्शन 47 आपका ये है कि जो आरबीआई जितने भी प्रोविजंस बनाती है, प्रोविजन आपके हो सकते हैं बैड डाउटफुल डेब्ट्स को लेके हो सकते हैं। डाउटफुल डेब्ट्स क्या होते हैं आपके पास में, जो पैसा है किसी को उधार दिया हुआ है और आने के चांसेस थोड़े कम है तो उसे हम डाउटफुल में डाल देते हैं, यानी कि संदेह पूर्वक आपके जो है वो डेब्ट्स हो जाते हैं, तो उनके लिए प्रोविजन बनाया गया। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट उसके लिए प्रोविजन बनाया गया, या फिर और कोई भी मैटर आपके पास में हो सकता है जिससे रिलेटेड प्रोविजन बनाया जा रहा है, जो उनका स्टाफ है उसको कॉन्ट्रीब्यूट करने के बाद। तो अल्टीमेटली इन सारी चीजों को पूरा करने के बाद जो बैलेंस बचता है, आपका जो प्रॉफिट बचता है, उसको जो है आरबीआई उसे ट्रांसफर करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये है आपका सेक्शन 47 आरबीआई 1934, तो इसके मुताबिक ही उनको जो है सरप्लस देना होता है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगला हमारे पास में है कमेटीज फॉर्म्ड। अब ये कमेटीज क्या है आपके पास, देखिए कई सारी कमेटीज बनाई गई। कमेटीज क्यों बनाई गई, एक सरप्लस का आइडियल अमाउंट डिसाइड करने के लिए कि जो कितना सरप्लस है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाए। इनमें कुछ कमेटीज के नाम मैं आपको बता दूं, देखिए एक पहले आपके पास में है वी सुब्रमण्यम कमेटी, ठीक है। एक कमेटी आपके पास में है वी सुब्रमण्यम कमेटी, ये आपकी बनाई गई 1997 में, ठीक है। उसके बाद एक कमेटी आपकी बनाई गई वाई एच मलिगम कमेटी, ठीक है, ये आपकी बनाई गई 2013 में। और एक आपकी बनाई गई बिमल जलन कमेटी, इन दोनों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। एक आपकी बनाई गई बिमल जलन कमेटी, ये आपकी बनाई गई 2018 में। तो ये जो कमेटीज, अलग अलग कमेटीज बनाई गई, ये आपकी क्यों बनाई गई थी, ये बनाई गई थी अभी मैंने आपको कहा कि सरप्लस का आइडल अमाउंट डिसाइड करने के लिए। एक और इसके अंदर कमेटी रह गई, वो विच आई हैवंट मेंशनड येट, दैट इज उषा थोराट। एक कमेटी इनकी भी बनाई गई 2004 में। ओके, तो ये कुछ कमेटीज बनाई गई थी ये चेक करने के लिए जो कि सरप्लस है उसका आइडियल अमाउंट कितना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे सीएफ एंड एडीएफ। सीएफ स्टैंड फॉर कॉन्टिंजेंसी फंड और एडीएफ स्टैंड फॉर असेट डेवलपमेंट फंड। अब देखिए जो पहले है, अर्लियर, इसका मतलब ये है कि जो आरबीआई है वो एक अपने सरप्लस का काफी बड़ा हिस्सा अलग से रखती थी। किन चीजों के लिए, इन दो चीजों के लिए, सीएफ के लिए और एडीएफ के लिए। एक बड़ा हिस्सा जब उसके लिए रख लेती थी तो इसका मतलब गवर्नमेंट के लिए सरप्लस कम बचता था। लेकिन जो वाई एच मलिगम, जिसके बारे में अभी अभी हमने यहाँ पे बात की थी, वाई एच मलिगम की जो कमेटी थी उनके रिकमेंडेशन के बाद जो ये सरप्लस का अमाउंट है टू द गवर्नमेंट उसको बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। अब बात ये सीएफ क्या है आपके पास में, That stand for contingency fund. ये आपका mention है, just let me clear the board a bit. Okay, तो जो ये आपका CF है, CF का मतलब आपके पास में क्या है, contingency fund. ये आपका Indian Constitution के 247th article में mention है. Article कौन सा है, 247 आर्टिकल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे भारतीय संविधान के। ये कॉन्टिंजेंसी फंड क्या होता है, कोई भी आप कह लीजिए अनसर्टेन डिजास्टर के लिए, कोई अनफोर्सीन अगर एक्सपेंडिचर आ जाता है, अनसर्टेन एक्सपेंडिचर आ जाता है, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं आ सकता है, कोई नहीं पॉसिबिलिटी रहती है डिजास्टर होने की, कोई अनफॉर्चुनेट खर्चा होने की, तो उसके लिए एक फंड बनाया जाता है, दैट इज अवर कॉन्टिंजेंसी फंड। दूसरा तो आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा एडीएफ, विच मीन्स असेट डेवलपमेंट फंड, नाम से क्लियर है असेट की डेवलपमेंट के लिए जो फंड बनाया जाता है। तो आरबीआई इन दोनों के लिए काफी बड़ा हिस्सा रखती थी, लेकिन जो वाईएच मलिगम कमेटी थी उनके रिकमेंडेशन के बाद उस फंड को इंक्रीज कर दिया गया, उस सरप्लस को इंक्रीज कर दिया गया गवर्नमेंट के लिए जो कि बचा हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ, ईसीएफ आया, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय बिमल जलन कमेटी,
अब ये बिमल जलन कमेटी क्या है, जिसका मैंने अभी भी कहा था आपको कब बनाई गई थी, 2018 में बनाई गई थी। तो इस ये बिमल जलन कमेटी क्या थी और क्यों बनाई गई थी, ये 2018 में बनाई गई थी, 6 मेंबर्स की कमेटी थी और जो इसके प्रेसिडेंट थे यानी कि जो इसके चेयरमैन थे बेसिकली वो कौन थे, वो थे आपके बिमल जलन थे। ये कमेटी बनाई गई थी रिव्यू करने के लिए ईसीएफ को, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि ईसीएफ प्रोवाइड किया गया था, तो इसी को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। ये ईसीएफ क्या है आपके पास में, इट्स इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ये बनाया जाता है आपके लिए, यानी कि कैपिटल रिस्क कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब रिस्क कैपिटल सबको चाहिए, कोई वही अगेन मैंने आपको कहा कि कोई रिस्क हो जाता है, कोई रिस्क कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, कोई रिस्क एक अगर बिजनेस में हम करते हैं हमेशा रिस्क रहता है तो उसके लिए रिजर्व रखे जाए कुछ ना कुछ, तो सेम यही है आपका इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, ये किसके लिए बनाया जाता है, रिस्क कैपिटल जो रखी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद, उसको रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो आपकी विमल जलन कमेटी थी, 2018 में बनाई गई थी और चेयरमैन कौन थे, विमल जलन थे, ये उन्हीं के नाम से कमेटी बनाई गई थी। तो जो ईसीए प्रोवाइड किया गया था विमल जलन के अलावा, उसके अनुसार जो सरप्लस है आरबीआई का वो दो चीजों के ऊपर बेस करता है, यानी कि जो सरप्लस दिया जाएगा वो दो चीजों के ऊपर आधारित होगा। पहला आपके पास में है दैट इज रियलाइज्ड इक्विटी, नॉट रिवाइज्ड इक्विटी, इट्स रियलाइज्ड इक्विटी, ओके, इट्स रियलाइज्ड इक्विटी। रियलाइज्ड इक्विटी में हम जनरली जो असेंशियली हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं सीएफ की, जिसकी अभी मैंने बात की थी यहाँ पे कॉन्टिजेंसी फंड की। तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, जो एक सीएफ की ना एक रेंज है, वो रेंज आपके पास में कितनी है, 5.5% से लेके 6.5% तक, ओके, 5.5% से लेके 6.5%, इसके बीच में ही आपका जो सीएफ का फंड है वो होना चाहिए और एक्सेस जितना भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा आरबीआई को। दूसरी चीज आपके पास में है इकोनॉमिक कैपिटल, दैट इज रिलेटेड टू असेंशियली सीजीआरए, किससे रिलेटेड है, सीजीआरए, व्हाट इज सीजीआरए, इट्स करेंसी एंड गोल्ड रेवोल्यूशन अकाउंट, करेंसी एंड गोल्ड रेवोल्यूशन अकाउंट, ओके, ये क्या है आपके पास में, नाम से कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, करेंसी और गोल्ड रेवोल्यूशन अकाउंट, ये मेंटेन किया गया था अगेन बाय द आरबीआई। और ये क्यों किया गया था, करेंसी से रिलेटेड रिस्क को मेंटेन करने के लिए, इंटरेस्ट रेट के रिस्क को मेंटेन करने के लिए, गोल्ड रेट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं अप एंड डाउन आते हैं उस चीज के जो रिस्क है उनको मेंटेन करने के लिए जो बनाया गया वो आपका बनाया गया था सीजीआरए। इसके भी कुछ रेंज है वो आपके पास में है अप्रॉक्स 22-24.5%, इसके अंदर अंदर ये फंड होना चाहिए और अगेन एक्सेस जितना भी अमाउंट होगा वो आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा एज अ सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चीज और, मैंने आपको ऑलरेडी सारी कमेटीज के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि विमल जलन कमेटी का क्या काम था, ईसीएफ को रिव्यू करना। एक कमेटी और जिसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए बस, ये कि उसका फंक्शन क्या था, जिसके रिकमेंडेशन के बाद जो सरप्लस अमाउंट है उसको इंक्रीज किया गया था जब आरबीआई जो है वो काफी बड़ा हिस्सा सीएफ और एडीएफ के लिए रख रहा था, जिसकी हमने बात की थी, वाई एच मलिगम, उनका पूरा नाम है येजदी हिर्जी मलिगम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है। ये कमेटी कब बनाई थी, 2013 में मैंने बताया, बट इसका फंक्शन और सुन लीजिए, इसका फंक्शन क्या था, पहले तो ये जो येजदी हिर्जी मलिगम थे ये थे कौन, ये आपके एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए होते हैं ना, और ये आपके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कब से कब तक, 1979 से लेके 80 तक के लिए ये उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये कमेटी का फंक्शन आपके पास में क्या था, ये था आपका माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड डाटा को चेक करने के लिए, जिसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं बैड लोन रिलेटेड डाटा हो गया आपके पास में, जो फ्रॉड के केसेस बढ़ते हैं, ठीक है, उसके लिए, या फिर आपके ऑडिट्स के लिए, तो इन माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड जो डाटा था उसके उसके लिए कमेटी बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई, अगेन आरबीआई ने इस कमेटी को बनाया 2013 में बनाया, और जिसके चेयरमैन कौन थे आपके, वो थे आपके वाई एच मलिगम, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूजफुल लगा होगा, प्लीज मेक नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैंने अभी आपको कहा था कि क्या करना है, प्लीज वीडियो को लाइक करना, थैंक यू सो मच।